हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं मेसो कंपाउंड्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एनेंशियमर एंड डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, किस तरीके से दो कंपाउंड्स के बीच में कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, एनेंशियोमेरिक या फिर डाइस्टीरियोमेरिक, ये हमने देखा था। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपको गिवन कंपाउंड है वो डाइस्टीरियोमर्स है या फिर एनेंशियोमर्स, और कैसे हम एनेंशियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट कभी भी मिस ना करो। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर जिसका नाम है मेसो कंपाउंड्स। ओके, सो मेसो कंपाउंड्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये कंपाउंड मेसो कंपाउंड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, कई बार आपको कुछ इस टाइप से कंपाउंड दे दिया जाता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि मेसो कंपाउंड है या फिर नहीं है, फिर हमें कंफ्यूजन रहता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। ओके, तो आज हम एकदम बिल्कुल सिंपल वे में हम ये देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेसो कंपाउंड्स को। ओके, सो देखो, डेफिनेशन की अगर हम बात करें जो मेसो कंपाउंड की डेफिनेशन है, इफ एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैज एटलीस्ट वन ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टीरियोमर्स देन कंपाउंड इज मेसो कंपाउंड। आपके पास में कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट उसका एक ऑप्टिकली एक्टिव डाइस्टीरियोमर्स हो तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे मेसो कंपाउंड। ओके, और हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। आपको चेक करना है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, उसमें टू कायरल सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए अलोंग विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें दो कायरल सेंटर प्लस सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, कोई भी टाइप की सिमेट्री हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास में है ये, ठीक है, इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, सो देखो, अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले इस कंपाउंड के बारे में, तो इसमें हम देखते हैं कि कायरल सेंटर कितने, हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। सो द आंसर इज टू, इसमें दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हो। ये जो कार्बन है कायरल सेंटर की तरह एक्ट करेगा, ये भी कार्बन कायरल सेंटर की तरह एक्ट करेगा। कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या फिर सेंटर होता है जो कि चार डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स के साथ या चार डिफरेंट टाइप के एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें दो कायरल सेंटर है जो कि कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, इसमें दो कायरल सेंटर तो होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो दो कायरल सेंटर है। अब हम बात करते हैं सिमेट्री की। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या रख देते हैं, एक मिरर रख देते हैं। ठीक है, एक क्या कर देते हैं, मिरर रख देते हैं। अब देखो, जब हम इसके ऊपर मिरर रखते हैं, इस कंपाउंड के बीच में एक मिरर रखते हैं, तो आप लोग देखो कि जो ऊपर वाला पूरा का पूरा सिस्टम, ये ऊपर वाला पूरा जो सिस्टम है, इसकी मिरर इमेज आपको नीचे नहीं दिख रही है ना। ये जो सिस्टम है इसकी मिरर इमेज ये है, हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, जब हम इसको मिरर, जब इसके बीच में मिरर रखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिवर होती है, जो माउंटेन्स के पास में जो रिवर होती है, कई बार क्या होता है उसका रिफ्लेक्शन उस रिवर में पड़ता है। ठीक है, जिससे हमें क्या लगता है कि एक माउंटेन ऊपर है और एक माउंटेन नीचे है ना, हमें दो दो माउंटेन्स दिखते हैं। सिमिलरली वैसे ही जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, एक मिरर रखते हैं, तो हमें ये ऐसा लगता है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका रिफ्लेक्शन नीचे पड़ रहा है और इस मिरर पर आ रहा है, इसकी मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, यानी इसमें जब हम इस एक्सिस के थ्रू इस मॉलिक्यूल को काटेंगे, इस एक्सिस के थ्रू इसको हम कट करेंगे, तो हमें दो सेम टाइप्स के सिस्टम मिलेंगे। यानी इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि हम कैसे पता कर सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री को, आप उसको जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी। ऑप्टिकल, अब देखो ये हमें पता करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, उसके लिए हमें सिमेट्री को देखना होता है। इसमें सिमेट्री है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। जब भी किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर सिमेट्री उसमें नहीं है, कोई भी टाइप की सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। मैंने आपको बताया भी था जब हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को स्टार्ट किया था। ओके, सो इसको हम क्या बोलेंगे, मेसो कंपाउंड बोलेंगे, और इसका एक ऑप्टिकली एक्टिव क्या बनेगा, डाइस्टीरियोमर बनेगा। क्लियर, ओके। अब मान लो अगर मैं ये जो बॉन्ड है इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो इस तरीके से इसका अरेंजमेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या आएगा, इसका अरेंजमेंट आएगा। ये यहां पे आपका आ जाएगा OH और ये आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक,
जब हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से मिरर इमेज बनेगा, ये आ जाएगा इधर, और ये एच, फिर ये एच और ये ओच, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और इनको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियमर बोलेंगे। ओके, सो इनेंशियमर्स है, और ये जो कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेजर कंपाउंड हो गया, ठीक है। एंड दूसरी बात कि जो ये ऊपर वाला सिस्टम है, जिसको हम अपर सिस्टम बोलते हैं, अपर पार्ट, और एक होता है लोअर पार्ट, ठीक है। जो अपर पार्ट होता है, रोटेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो जो अपर पार्ट होता है, वो क्या काम करता है, मान लो राइट में रोटेट करेगा, ठीक है। अगर अपर पार्ट लाइट को राइट में रोटेट करता है, तो जो लोअर पार्ट होगा, वो क्या करेगा, लाइट को लेफ्ट पार्ट में रोटेट करेगा, जिससे जो टोटल रोटेशन होगा, ठीक है, जो टोटल रोटेशन होगा, जो नेट रोटेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। और जीरो रोटेशन कब होता है, जब उसमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है, वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। जब लाइट इसमें एंटर करती है, तो सपोज करो ये मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, इस नीचे इसको रोटेट करेगा, और ये मॉलिक्यूल वापस से इसको क्या कर देगा, उसी डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो जो नेट रोटेशन होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली नेगेटिव कंपाउंड बोलते हैं। अगर रोटेशन जीरो नहीं होता है, रोटेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, राइट डायरेक्शन में अगर होता इस पूरे मॉलिक्यूल का, तो हम इसको ऑप्टिकली क्या बोलते हैं, एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। ओके, आप इसको कॉपी करो, फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि देखो ये आपके पास में टोटल 5 कंपाउंड दे रखे हैं, और आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड मेजर कंपाउंड है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फर्स्ट नंबर कंपाउंड की। फर्स्ट नंबर कंपाउंड में आपको सबसे पहले चेक करना है कायरल सेंटर, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। तो देखो अगर हम इसमें बात करें, कभी भी रिंग में आपको कायरल सेंटर काउंट करना हो, कभी भी रिंग में आपको कायरल सेंटर चेक करना हो, तो क्या करना है आपको, जहां पर भी आपको लगे कि ये कायरल सेंटर हो सकता है, वहां पे आपको खड़ा होना है। तो देखो हमें ये लगता है कि ये कायरल सेंटर हो सकता है, जब आप इस सेंटर पर खड़े होंगे, तो आपको दो क्या करना है, राउंड लगाना है उस कंपाउंड के ऊपर, एक लगाना है क्लॉकवाइज और एक लगाना है एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज राउंड लगाते हो, तो देखो जो एनवायरमेंट आता है, वो क्या आता है, जब हम ऐसे चलते हैं, तो देखो सीएच कार्बन आ रहा है, CH2 आ रहा है, फिर ये आ रहा है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और जब हम वापस से क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाते हैं, तब भी हमें क्या मिलता है, CH2 ग्रुप मिलता है, और ये CH ग्रुप मिलता है, ठीक है, यानी सेम एनवायरमेंट आता है। और जब भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम एनवायरमेंट आता है, तो वो मॉलिक्यूल या फिर वो सेंटर जहां से आप खड़े होकर के राउंड लगा रहे थे, वो सेंटर कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें कायरल सेंटर एक भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रोटेशन मतलब एनवायरमेंट सेम आ रहा है, ठीक है। तब हम इसमें क्या बोलेंगे कि कायरल सेंटर इसमें नहीं है। बट अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, प्लेन ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इस तरीके से। तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, ये मेजो कंपाउंड होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मेजो कंपाउंड होगा, नहीं होगा ये मेजो कंपाउंड। क्यों नहीं होगा मेजर कंपाउंड, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है। और आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या थी, कि प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू कायरल सेंटर अलोंग विद प्लेन ऑफ सिमेट्री, जबकि इसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो ये मेजर कंपाउंड नहीं होगा। एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो देखो अगर आपको इसमें देखना है कायरल सेंटर कितने हैं, या ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े हो, फिर क्या करोगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करोगे, राउंड लगाओगे। क्लॉकवाइज राउंड लगाते हो, तो आपको आपको क्या मिलता है, देखो यहां से आपको Br मिलता है, फिर ये मिलता है CH2, जबकि आप एंटी क्लॉकवाइज लगाओगे तो क्या मिलेगा, आपको CH2 मिलेगा, फिर ये Br मिलेगा, ठीक है। सेम इसमें होगा, तो इसमें जो कायरल सेंटर है वो कितने हैं, दो कायरल सेंटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है, बीच में से काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस है। देन उसके बाद में ये मेजर कंपाउंड होगा। ऑप्टिकली की बात करें, तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव, क्यों, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ POS, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन मेजर कंपाउंड नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं इसकी, तो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, तो टोटल कायरल सेंटर इसमें दो है, ठीक है, फुलफिल और ये कंडीशन। देन हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इस तरीके से काटोगे तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजो कंपाउंड। बहुत ही ईजी है मेजो कंपाउंड को निकालना, आपको कायरल सेंटर चेक करना है और प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है, बस। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लोगे, बस उसमें सिमेट्री आ गई, सिमेट्री आ गई, इसका मतलब वो मेजर कंपाउंड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो देखो इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर 3
ठीक है, इसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इस तरीके से काटोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों हाफ हाफ कट जाएंगे, और ये ऊपर वाला सिस्टम और ये नीचे वाला सिस्टम रह जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब ये मेजो कंपाउंड होगा, मेजो कंपाउंड। दूसरा ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कायरल सेंटर एक भी नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ पे खड़े होकर के राउंड लगाओगे और यहाँ पर खड़े होकर के राउंड लगाओगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में सेम रोटेशन मिले, सेम एनवायरनमेंट मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं होगा, कायरल सेंटर नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या नहीं होगी, नहीं होगी, और ये क्या नहीं होगा, मेजो कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। कैसे नहीं होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर आप ऐसे काटोगे तो देखो ये जो मिथाइल ग्रुप, वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगी ना, कायरल सेंटर नहीं है तो ये मेजर कंपाउंड नहीं होगा, बस इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये मेजर कंपाउंड नहीं, आपको कायरल सेंटर विथ अलोंग विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेकआउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से हम मेजर कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि जो अपर हाफ पार्ट होता है ये क्या करता है, जिस डायरेक्शन में ये एक दूसरे के अपोजिट क्या करता है, लाइट को रोटेट करता है। ठीक है, जिस कारण से जो निल रोटेशन होता है, जो नेट रोटेशन होता है वो नील हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिस कारण से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कभी कभार आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई मेजर कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आप बता सकते हो इसमें क्या होता है, जो उसके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, जो दो इक्वल हाफ पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, जिसके कारण से जो निल रोटेशन होता है, जो नेट रोटेशन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो नेट रोटेशन जीरो होने के कारण इसका मतलब ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। और अगर रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, मान लो ये भी राइट में कर रहा है, ये भी राइट में कर रहा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप आई होप आपको मेजर कंपाउंड्स समझ में आए होंगे और आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि किस तरीके से मेजर कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट मिस ना करें।